एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है। इसके साथ ही आदिवासी समाज में भी खुशी की लहर है। खुशी जाहिर करते हुए जम्वा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नटाटा सरपंच राजेंद्र मीणा ने आदिवासियों की पहली राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हुए कहा कि उत्साह स्वाभाविक है, क्योंकि आदिवासी गांव की सामान्य महिला के राष्ट्रपति बनने से लोकतंत्र को गौरव मिला है। अब उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू महिलाओं की आवाज तो बनेगी ही और अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान देश में नए नॉर्म्स भी पेश करेंगी। इसके साथ ही आदिवासी समाज में व्याप्त परेशानियों को अब दूर किया जाएगा। देश में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज है जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ता है, और उसी समाज की महिला आज सर्वोच्च पद पर पहुंची है। राजेंद्र मीणा, ग्राम पंचायत नटाटा सरपंच। मैं आज भारत वर्ष में ही बहुत ही खुशी की लहर है कि एक एनडीए सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी महिला को 70 साल में पहली बार एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रपति का बनाए गए, इसके लिए मैं ग्राम पंचायत नटाटा की तरफ से राजेंद्र मीणा सरपंच होने के नाते मैं पूरे गांव और क्षेत्र की तरफ से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे आदिवासियों के ऊपर एक विश्वास रखा, विश्वास रखकर एक आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाया। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत नटाटा की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।